करते ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। स्मार्टफोन खरीदने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक कीजिए। वन प्लस 10 के सक्सेसर स्मार्टफोन वन प्लस 11 एक सुपर स्मार्टफोन कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसे फीचर्स दिए जाने वाले हैं जो आज तक किसी और स्मार्टफोन में शायद ही देखने के लिए मिला होगा। यानी कि एक सुपर कैमरा, सुपर बैटरी परफॉर्मेंस और एक सुपर चिपसेट, यानी कि इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये स्मार्टफोन के अंदर इतने भर का स्पेसिफिकेशंस दिया जा रहा है जिसको सुनते आपके दिमाग की बत्ती शायद हिल सकती है। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो 48 मेगापिक्सल की दुनिया की पहली DSLR सेल्फी स्नैपर वन प्लस 11 में देखने के लिए मिल रहा है। इसकी प्रो वेरिएंट और प्रो मैक्स वेरिएंट भी शायद देखने के लिए मिल सकता है, पर शुरुआत करेगी इसके सुपर कैमरा से। बैक साइड में हमको 3 से 4 कैमरा देखने के लिए मिल सकते हैं। जो प्राइमरी सेंसर होगा जो 200 मेगापिक्सल की कहा जा रहा है, एक परफेक्ट DSLR कैमरा, यानी कि आप 108 मेगापिक्सल कैमरा यूज किए होंगे पर 200 मेगापिक्सल कैमरा निकलकर सामने आएगा तो आप सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त हो सकती है। पर बाकी 3 कैमरा 18+8+5 मेगापिक्सल की कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, स्मार्टफोन के अंदर सुपर बैटरी होने वाला है। हम लोग इंडियन से, हम लोगों को सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी परफॉर्मेंस मांगता है, इसलिए स्मार्टफोन के अंदर 5500 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस मिल सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसको चार्ज करने के लिए 120W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग दी जाएगी जो लगभग 30 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो सकता है। पर आने वाले दिनों में देखना होगा इस स्मार्टफोन के अंदर कौन सी प्रोसेसर दी जाएगी। लीक्स और रूमर्स के हिसाब से कहा जा रहा है स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है, जो एक नंबर की गेमिंग प्रोसेसर तो कहलाएगा और साथ में जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। आजकल तो गेमिंग करना कोई नहीं चाहता, बच्चा भी पबजी खेलना चाहता है, तो इसीलिए स्मार्टफोन के अंदर अल्ट्रा HD ग्राफिक्स सपोर्ट भी दी जा सकती है। हम लोगों को सबसे ज्यादा मांगता है इसके बैटरी परफॉर्मेंस और एक कैमरा क्वालिटी, पर वेरिएंट्स भी काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि 8GB 10GB 12GB अब तो शायद 20GB रैम भी देखने के लिए मिल रहे हैं। पर्टिकुलरली ये स्मार्टफोन के अंदर 3 वेरिएंट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, 8GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। पर लोअर वेरिएंट पे कहा जा रहा है 6GB रैम 128GB के साथ आ सकता है। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है चैट सेक्शन में बता सकते हो। काफी सारे कलर वेरिएंट्स तो स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी और एक 5G वेरिएंट भी होगा, क्योंकि तगड़ा प्रोसेसर है तो 5G देना मांगता है। USB टाइप सी पोर्ट, शायद स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप रॉकर्स, पावर ऑन ऑफ बटन और जो कुछ भी सेंसर होने सब कुछ स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी। इसके बारे में जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लीक्स और रूमर्स निकलकर सामने आता है तो तुरंत को इंटीमेट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए शेयर।